हाय एवरीवन, मैं हूँ पूनम और आज का जो हमारा वीडियो है ये है एक हल्दी मेकअप लुक। और ये जो सारा लुक है मैंने क्रिएट किया है फॉरएवर 52 के इस ड्यू मेकअप ब्रश से। और जैसा कि अगर आपको इस मेकअप ब्रश के बारे में डिटेल चाहिए तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने अच्छी तरह से बताया है कि कौन से ब्रश का क्या यूज़ है। और ये सारा जो मेकअप है मैंने इसी ब्रश से किया हुआ है, तो ये सारा डेडिकेटेड इसी ब्रश को जाता है सारा मेकअप जो मैंने किया है। और अमेजिंग है, बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। पूरा डिटेल देखने के लिए मेरा लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग अभी आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का जो ये हमने मेकअप किया है इसमें मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ CTML। तो यहाँ पर मैंने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए कलर बार का अर्गन ऑयल लिया है और यकीन मानिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है, आप डेफिनेटली ले सकते हैं। और ब्रश की डिटेल मैं यहाँ पर नहीं दे रही हूँ बिकॉज मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर मेकअप स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देना चाहूँगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो, और साथ में साइड में जो बेल आइकन बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो के बारे में डिटेल मिल सके। तो यहाँ पर मैंने इस ब्रश से यहाँ पर प्राइमर लगाया है और यकीन मानिए बहुत ही अच्छा ब्रश है और काफ़ी अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग होती है, इस तरह से मैंने यहाँ पर पूरा प्राइमर लगाया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर और भी सीखते हैं कि स्किन पे प्राइमर क्यों लगाना चाहिए। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं स्किन पे प्राइमर क्यों लगाना चाहिए? अगर आपको पता है ऑलरेडी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि प्राइमर स्किन पे क्यों लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट शुरू करते हैं और अब हम आते हैं आई मेकअप पर। तो आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पर क्राइलोन का जो वाइट बेस है वो लगाया है। और आपने अगर देखा होगा बाकी सारे लोगों का तो नॉर्मली आइवरी कलर के आई बेस लगाया जाते हैं या वाइट कलर, दो चीज़ें लगाई जाती हैं। तो वाइट कलर इसके लिए लगाया जाता है क्योंकि बहुत ही अच्छा, अगर बहुत ही डिटेल में बहुत ही ज़्यादा कलरफुल आई मेकअप है तो उसमें कलर को इन्हेंस करने के लिए वाइट कलर का आई बेस बहुत ही अच्छा रहता है। नहीं तो आइवरी शेड नॉट बैड, बहुत ही अच्छा वो भी वर्क करता है, नो प्रॉब्लम, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास वाइट आई बेस नहीं है तो। तो यहाँ पर मैंने मैजिक का ये लिक्विड मतलब फॉर्म में आई शेडो या इस मल्टीपर्पज़ टाइप है ये समथिंग, तो इसमें से मैंने येलो पिगमेंट लिया है और इसको अच्छी तरह से येलो से भर दिया है। तो ब्रश देख सकते हैं आप, इसी ब्रश से सारा मेकअप कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। और इस ये जो गीला बोल सकते हैं येलो पिगमेंट था, इसी के ऊपर मैंने येलो कलर का ड्राई फॉर्म में जो आई शेडो है वो इसमें भर दिया ताकि वो येलो कलर है और ही अच्छा इन्हेंस होकर आए और अच्छा फॉर्म हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने स्टार्टअप किया है कुछ मेकअप का, आई मेकअप का। तो डिटेल में बता देती हूँ, वाइट बेस लगाया है, उस पर क्रीम आई येलो कलर लगाया है और उस पर आई शेडो येलो कलर की फॉर्म कर दी है ताकि येलो कलर का इन्हेंस जो है बहुत ही अच्छा उठ कर आए। इसके बाद मैं ले रही हूँ फॉरएवर 52 का ये वाला जो मेरा आई शेडो पैलेट है और इसी के लिए मैंने ये वाला ब्रश लिया है। ब्रश भी आप देख सकते हैं बुलेट ब्रश है और साइड में ब्लेंडिंग ब्रश है, तो उसी से मैंने ये पूरा आई मेकअप किया। वीडियो थोड़ी सी शूट नहीं हो पाई लेकिन आप देख सकते हैं मैंने साइड में कॉन्टोर शेड थोड़ा सा न्यूड शेड साइड में डार्कर लगाया है और कॉर्नर में येलो कलर लगाया है और बीच में येलो कलर का ही ग्लिटर लगा रही हूँ, तो इससे जो ये आई मेकअप है ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा था। अब हम लोग आते हैं फेस पे। तो फेस के लिए ये मैंने देखिए कॉन्टोर ब्रश है एक तरह का, इसका साइड आप देख सकते हैं। तो कॉन्टोर से मैंने पूरा नोज़ कॉन्टोरिंग की, थोड़ी सी छोटी नोज़ है तो मैंने इसको थोड़ा लंबा दिखाने के लिए थोड़ा इस तरह से कॉन्टोर किया है। तो आप देख सकते हैं कॉन्टोर की अगर आपको टेक्निक देखनी है, अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊं तो मैं बना दूंगी वीडियो, आप अगर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा तो मैं ज़रूर वीडियो बना दूंगी इसके ऊपर। तो आप ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए डार्क कॉन्टोरिंग कैसे लगानी है और लाइट कॉन्टोरिंग कैसे लगानी है। और इसको मैंने इसी ब्रश से मर्ज किया है और मर्ज करने के लिए देखिए आप बहुत ही धीरे धीरे प्यार से मर्ज करना है, बहुत बिल्कुल भी घाई नहीं करनी है। और इस तरह से धीरे धीरे पहले मैंने लाइट कलर को मर्ज किया है, फिर इसके बाद मैं धीरे धीरे डार्क कलर को मर्ज कर दूँगी, तो ये काफ़ी अच्छा वर्क हो जाता है। और सारा कॉन्टोर करने के बाद इसके बाद मैंने सारे फेस पे बनाना पाउडर से सेट कर दिया है सारा, और ब्लशर और हाइलाइटर भी मैंने लगा दिया है। और यहाँ पर काजल फिलअप करने के बाद मैं करूँगी आईब्रो फिलिंग, तो इन कलर का ये जो है आईब्रो फिलर। और ब्रश के लिए देखिए मैं यहाँ पर स्पूली ब्रश की यूज़ कर रही हूँ और नॉर्मली सारे ब्रश डो वाले ऐसे होते ही हैं नॉर्मली, इसमें एक तरफ स्पूली रहता है और एक तरफ आईब्रो फिलर का सेट रहता है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आईब्रो फिलिंग करने के बाद पूरा जो मेकअप का गेम चेंज हो जाता है,
फेस जो है अलग ही अट्रैक्शन पैदा करता है। आईज का पूरा एक मेकअप जो है वो कंप्लीट लुक लगता है। यहाँ पर मैंने आईब्रो फिलिंग कर दी है और अब यहाँ पर जो आईब्रोज में सॉरी आई शेडो में जो भी मुझे कमी लग रही थी या जो कलर इनहेंस जो चाहिए था मुझे उसको मैं एक बार थोड़ा टचअप मार लूँगी यहाँ पर। और आईज़ का पूरा काम ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पर लगाऊँगी ब्लशर। अब आप बोलेंगे कि पहले ही ब्लशर लगाया हुआ था, तो होता ऐसा है कि फॉरएवर 52 का आपने देखा है मैं हमेशा ब्लशर यूज़ करती हूँ और उस ब्लशर की खासियत ये है कि थोड़ी देर बाद सेटल हो जाता है, थोड़ा फेंट हो जाता है। तो मैंने थोड़ा सा इसको कलर को और इनहेंस करने के लिए ब्लशर को और लगा दिया है। तो देखिए काफ़ी लुक भी चेंज हो गया है। और फिर इसके बाद मैंने मेकअप रिवोल्यूशन का यहाँ पर हाइलाइटर लिया है और उस हाइलाइटर से जो भी हाइलाइटर पार्ट था उसको पूरा हाइलाइट कर दिया है। फिर कॉन्टोरिंग में जो भी कमी लग रही थी या जो फिनिशिंग वर्क था वो मैंने यहाँ पर एक तरह से देख सकते हैं हम कि मैंने फिनिशिंग वर्क कम्प्लीट कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर शुगर का 12 नंबर का एक न्यूड शेड है और ये काफ़ी मेरा फेवरेट शेड है, बहुत ही अच्छा लगता है। डेली यूज़ के लिए भी आप इसे लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा कलर है। तो ब्रश के लिए यहाँ पर देखिए फॉरएवर 52 का एज यूजल जो ड्यो ब्रश था उसमें उसके लिप फिलर से ही मैंने यहाँ पर लिप की पूरी फिलिंग कर ली है और अमेजिंग है ये भी एज यूजल बहुत ही अच्छा वर्क किया इसने, पूरी लिप की फिलिंग भी बहुत अच्छे से कर ली। और इसके बाद जो मस्कारा का जो पार्ट था, आप मस्कारा भी बहुत ज़रूरी चीज़ है और लोअर लैश और अपर लैश में पूरा मस्कारा मैंने अच्छे से फिलअप कर लिया। और वो काम करने के बाद मैंने यहाँ पर लिया है आई लैशेज जो कि मैजिक ब्रांड का है और ये यहाँ पर देखिए पूरा मेकअप जो है कंप्लीट हो गया। और एज यूजुअल जब मेकअप कंप्लीट हो जाता है तो हम यहाँ पर मेकअप फिक्सर लगा देते हैं जो कि मैंने यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड का। और यहाँ पर देखिए हमारी जो ये ब्राइडल है वो रेडी हो गई है अपने हल्दी फंक्शन के लिए, तो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। मुझे भी ये मेकअप करके बहुत ही मज़ा आया और हेयर स्टाइल देखिए कंप्लीट करने के बाद पूरा जो है गेम चेंज हो गया है। ज्वेलरी लेना ना भूलें, हल्दी मेकअप के लिए जो हल्दी लुक के लिए जो ज्वेलरी होती है वो स्पेशलाइज आते हैं, तो वो ज्वेलरी जब कैरी करती है ब्राइडल तो और ही पूरा गेम चेंज हो जाता है, और भी लुक जो है एनहेंस हो जाता है। बिंदी से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया, हेयर स्टाइल पूरा बना लिया और येलो कलर का जो ड्रेस है वो काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया ये मेकअप करके, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आगे भी ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।